सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए बेसिक थ्री प्राइमरी थिंग्स इज जो नेसेसिटी है, दिस इज योर खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर. दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो. ठीक है, सो ये जो एनिमल्स है, एवरी एनिमल्स हैव इट्स ओन हैबिटेट. ऑल एनिमल्स हैव इट्स ओन हैबिटेट. जैसे कि टाइगर्स के लिए फॉरेस्ट है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ओशंस है, रिवर्स है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डिकम्पोजिशन जो मटेरियल्स है वो है. ठीक है, सो दिस हैबिटेट एंड इट्स डेवलपमेंट एज वेल एज इज मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फॉरेस्ट एरिया. तो हमें ये सब चीज़ हम जो ऑलरेडी देख लिए हैं कि ये एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्यों हम पोचिंग होता है. ठीक है, सो इसको हमें अगर हम ये सब चीज़ को सही कर देंगे तो ये सब चीज़ नहीं होगा. ठीक है, अगर हम एनिमल्स के लिए पर्टिकुलरली फूड ट्री, डिफरेंट वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे फॉरेस्ट में, तो एनिमल्स क्यों दूसरे फॉरेस्ट ह्यूमन हैबिटेशन को आएगा? वो वहीं पे ही उसका घर से घर मतलब घर घर में अगर उसको सब चीज़ मिल जा रहा है, वो बाहर क्यों आएगा? तो इसीलिए ये हैबिटेट इंप्रूवमेंट टेक्निक्स इज मोस्टली नहीं, एवरी फॉरेस्ट एरिया में ये फॉलो होता है. ठीक है, एवरी फॉरेस्ट डिविजन. सो अभी हम देखेंगे कि ये होता क्या है, ये हैबिटेट होता क्या है एंड मैनेजमेंट इसका कैसे हो रहा है. सो फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट. सो हैबिटेट इज अ नेचुरल होम रेंज, अ नेचुरल होम ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल. द टर्म टिपिकली रिफर्स टू द जोन इन द इन व्हिच द ऑर्गेनिजम्स लिव्स एंड वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन. सो जहाँ पे भी एनिमल्स रहता है वहाँ पे पार्टनर होकर रहते हैं मेल, वो बर्ड हो या फिर इंसेक्ट हो या फिर लार्ज टाइगर हो या फिर एनिमल ये लायन हो, ये साथ साथ कपल्स. ठीक है, वो कोर्टशिप बिहेवियर उसको बोलते हैं. ठीक है, ये साथ में रहते हैं. सो दिस फूड, शेल्टर, वाटर इज द बेसिक मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एनी वाइल्ड एनिमल. सो हमें ये तीनों चीज़ को फॉरेस्ट में एडिक्वेट क्वान्टिटी प्रोवाइड करना है. अगर फॉरेस्ट में है तो दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमें ये सब चीज़ को डेवलप करना है. सो व्हाई हैबिटेट इज इंपॉर्टेंट. हैबिटेट प्रोवाइड फूड, फोडर, फ्रूट, फ्यूल, टिम्बर एज वेल एज मेडिसिन, नॉट ओनली फॉर एनिमल्स बट ऑल्सो फॉर अस, बिकॉज दिस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट में हम पढ़े थे ना, फॉर इन डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स से लाइक हर्रा, बाहड़ा, आंवला, सो ऑल दिस थिंग्स आर टेकन आउट फ्रॉम फॉरेस्ट बाय द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट ज्वेलर्स एंड देयर दिस सेल दिस प्रोडक्ट टू द मार्केट एंड फाइनली हम उसको कंज्यूम करते हैं. देन कमर्शियल वैल्यू, ऑयल्स, फूड्स, सो दिस इज द योर मेडिसिनल एंड अदर कंजप्टिव वैल्यू. बायोलॉजिकल वैल्यू मीन्स दिस ट्रीज हेल्प इन योर बर्ड्स हेल्प इन द पॉलिनेशन, सॉइल फॉर्मेशन, बिकॉज दिस बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेदरिंग इज देयर, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड रिक्रिएशन वैल्यू. सो दैट इज योर रिक्रिएशनल पर्पज मीन्स ब्यूटी. कहीं पे अगर आप देख रहे हैं एक फॉरेस्ट एरिया जो कि बहुत रिच इन रिसोर्सेज, रिच इन ट्री स्पेसिस, एंड उसके साइड में और एक फॉरेस्ट है जहाँ पे एक फॉरेस्ट एंड ये भी, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, बहुत सारे एनिमल्स हैं. ठीक है, सो दिस फॉरेस्ट विल लुक्स मोर एस्थेटिक, मोस्ट ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, ड्यूरिंग द टाइप ऑफ न्यू लीव्स, बट यहाँ पे ड्यू टू द ह्यूमन इंक्रोचमेंट और एनी काइंड ऑफ एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, सो दिस वेजिटेशन यहाँ पे एब्सेंट है. सो इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल, मोर रिक्रिएशनल एंड मोर एस्थेटिक एज कम्पेयर टू दिस, एंड दिस इज द एस्थेटिक वैल्यू. सो दिस इज बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग हैबिटेट. ठीक है, सो हमें ये सब चीज़ को डेवलप कैसे करना है? अगर फॉरेस्ट में फूड, वाटर, शेल्टर प्रेजेंट है तो एनिमल्स वहीं पे रहेंगे, किसी ह्यूमन हैबिटेशन को नहीं आएंगे. ये कॉन्फ्लिक्ट, ये ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन लियोपार्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये नहीं होगा अगर सारे चीज़ वहाँ पे मिल रहा है. अगर ग्रासेस, अगर किसी भी एरिया में ग्रासेस है तो वहाँ पे ऑब्वियसली डियर्स रहेंगे, हॉर्बीवोरस रहेंगे. हॉर्बीवोरस सही है, उसका मतलब कार्निवोरस भी रहेंगे. तो टाइगर को खाना मिल जाएगा डियर से, डियर को ग्रासेस से मिल जाएगा, तो बाहर आने का कुछ मतलब ही नहीं है. ये डियर क्यों आएगा किसी ह्यूमन फील्ड को, क्रॉप फील्ड को आटा खाने के लिए क्रॉप्स, एंड ये एनिमल्स क्यों आएगा किसी ह्यूमंस को खाने के लिए या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स को खाने के लिए. सो अगर कहीं पे नहीं है तो हमें इस सब चीज़ को डेवलप करना है. सो दिस डेवलपमेंट ऑफ हैबिटेट. सो दिस इज ए वर्किंग प्लान रिपोर्ट
आई ये जो मैं आपको अभी बताऊंगा, दिस इज वर्किंग प्लान रिपोर्ट ऑफ ए डिवीजन। सो पहले हम देखेंगे ये डेवलपमेंट ऑफ हैबिटेट किसे करना होता है। तो दिस हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज कैरड आउट विथ डिफरेंट सिल्वीकल्चर टेक्निक्स। किसी भी एरिया में आप हैबिटेट डेवलपमेंट कर रहे हैं, सपोज किसी भी एरिया में आप किसी ट्री को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स दोज ट्रीज दोज आर वेरी पैलेटेबल टू एनी एनिमल, एनी हर्बीवोरस। सो दिस इज दिस रिक्वायर ए सिल्वीकल्चर टेक्निक, कैसे उसको ग्रो करना है फॉरेस्ट की नर्सरी में, फिर उसको मेन फील्ड में लगाना है। सो दिस रिक्वायर्स ए सिल्वीकल्चर। सो सिल्वीकल्चर इज द हार्ट एंड कोर ऑफ फॉरेस्ट्री, ठीक है। द एम शुड बी प्रोवाइडेड मोर फूड वाटर एज वेल एज शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, सो दैट द रिड्यूस वी कैन रिड्यूस द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन का पहला स्टेप है। सो फास्ट इज द कवर। सो पहले हम देखेंगे कि किसी एनिमल्स को कैसे हम घर प्रोवाइड करेंगे। सो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, एनिमल थोड़ी ना जैसे हम रहते हैं घर में, एसी चाहिए ऐसे नहीं चाहिए, बस उसको एक अच्छा सा ट्री चाहिए जिसके, क्योंकि बर्ड्स ये कहाँ रहते हैं, ये किसी ट्री के ब्रांचेस में रहते हैं। किसी भी डियर वो उसको शेड चाहिए, वो नीचे रहता है ट्री का। किसी भी लायन देखिए, या फिर आप देखेंगे तो टाइगर्स योर लियोपार्ड्स तो रहते हैं पहाड़ के क्लिफ में। सपोज दिस इज हिल एरिया, हिली एरिया, ये रहता है क्लिफ में, जहाँ पे ऊंचे चट्टान है वो वहाँ पे सोता है जाके, दिस इज क्लिफ एरिया। सो ये तो प्रेजेंट है वहाँ पे। सो जो भी आप जिस एनिमल्स को कवर का रिक्वायरमेंट है, लाइक योर हर्बीवोरस, सो प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फॉरेस्ट कवर टू डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स विद इन देयर हैबिटेट इज नेसेसरी फॉर शेल्टर एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम वेदर, प्रेडेटर्स एंड एनिमीज। सो ट्री प्रोवाइड शेल्टर अगेंस्ट विंड, वाटर, रेनफॉल, इससे प्रोटेक्ट करता है ट्री, ठीक है। कीपिंग इन व्यू दिस एस्पेक्ट, इट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेक्शन वर्किंग सर्कल। सो इन फॉरेस्ट देर आर डिफरेंट वर्किंग सर्कल। सो ऑलरेडी इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट आई टोल्ड अबाउट द डिफरेंट रिहेबिलिटेशन वर्किंग सर्कल, वाइल्ड लाइफ वर्किंग सर्कल। जहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत हैं तो वहाँ पे स्पेशल फोकस देते हैं कि वाइल्ड लाइफ के लिए वहाँ पे कैसे हम वाटर प्रोवाइड करेंगे, कैसे फूड प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। सो इट इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब नॉट टू फेल ट्रीज नियर वाटर होल्स। सो improve the for improvement of cover for providing this adequate forest cover to the animals. So जो भी nearby water holes है, जहाँ पे water holes के पास tree filling क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि suppose this is a water hole, कोई भी animals आते हैं यहाँ पे पानी पीते हैं, and ये फिर यहाँ तक नहीं आएंगे rest करने के लिए। अगर यहाँ पे किसी tree present है तो उसके नीचे सो जाएंगे in the daytime, क्योंकि daytime में forest में temperature होता है like in tropical area. So यहाँ पे पानी पीते हैं एंड यहाँ पे सो जाते हैं। सो हमें नियर बाई वाटर होल एरियाज, वी शुड नॉट फेल दोज ट्रीज एंड क्रिएट सॉल्ट लिक्स टू मेंटेन कवर। सो ये सॉल्ट लिक क्या है उसको हम देखेंगे अपकमिंग स्लाइड में। सो इन केस ऑफ रिहेबिलिटेशन वर्किंग सर्कल, इट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब टू गो फॉर मिक्स प्लांटेशन इंस्टेड ऑफ प्योर प्लांटेशन टू क्रिएट ग्राउंड फ्लोरा एंड मिडिल स्टोरी प्रोवाइडेड कवर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। सो फॉर इम्प्रूविंग द कवर आप ट्राई कीजिए, जहाँ पे भी सपोज दिस इज ए बैरन एरिया एंड यहाँ पे आप कवर डेवलप करना चाहते हैं, तो आप ट्राई करिए यहाँ पे मिक्स स्पेसीज लगाएं। सपोज यहाँ पे आप लगा रहे हैं करडा लगा रहे हैं, क्लेस्टेंथस कोलाइनस, उसके साथ आप दूसरे स्पेसीज लगा दीजिए लाइक टर्मिनेलिया टोमेटोसा, यू जामुन। सो डिफरेंट अगर ट्री स्पेसीज रखेंगे तो जो एनिमल्स यहाँ पे आएंगे, सो उनको वेराइटी ऑफ फूड मिलेगा खाने के लिए। ये कर्रा जो है ना, क्लेस्टेंथस कोलाइनस, सो दिस इज ए बेस्ट फूड फॉर बाइसन, ठीक है। बाइसन कभी इसको खाता है, कभी उसका अगर मन किया तो टर्मिनेलिया अर्जुना का पत्ता को भी खा सकता है। सिमिलरली अगर आप डिफरेंट ट्रीज रखेंगे, सो इट क्रिएट ग्राउंड फ्लोरा, मींस सपोज यहाँ पे सपोज ये दिस इज लार्ज एरिया एंड यहाँ पे एक बड़ा ट्री है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ट्रीज हैं। सो जो बड़े साइज बर्ड्स है वो इसके ऊपर आके बैठेंगे, जो छोटे छोटे एनिमल्स है लाइक रोडेंट्स है, परक्यूपाइन है, सो ये इसके नीचे रहेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट में ये मिक्स टाइप ऑफ चीज़ को आप मेंटेन करके रखना है आपको। आप सारे अगर आप लगा देंगे कि आपको हार्वेस्टिंग करने के लिए चाहिए टिक, वो आप फॉरेस्ट में ओनली टिक लगा देंगे एक ही साथ में। सो जहाँ पे आपको कमर्शियली फॉरेस्ट्री करना है वहाँ पे कीजिए ये सब चीज़, जहाँ पे आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप योर इनकम। बट जहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ का आप देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ एस्पेक्ट में, सो इन द वाइल्ड लाइफ एस्पेक्ट दिस थिंग्स शुड बी मेंटेन। मिक्स स्पेसीज लगाइए, जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी, आप अगर आपको एवरीडे सेम फूड दिया जाएगा आप तो नहीं खाएंगे, तो एनिमल्स कैसे खाएंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ को वहाँ पे देखना है, ठीक है। देन इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, ये हो गया पहला वाला शेल्टर।
तो शेल्टर चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट ट्री लगाइए, डिफरेंट ट्री में डिफरेंट स्मॉल योर एनिमल्स रहेंगे, स्मॉल बर्ड्स रहेंगे, यहाँ योर पाइथन भी रहेंगे, एवरी एनिमल्स शुड बी सस्टेन हियर. सो फूड, सो फॉर फूड अवेलेबिलिटी डिफरेंट फ्रूट बियरिंग ट्रीज लाइक आमला, मैंगो, तेंदुपत्ता, डायस्पोरस मेलन जैलन, साइजियम क्यूमिनिंग, महुआ, चिरोंजी शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम फेलिंग अंडर रेस्पेक्टिव वर्किंग सर्कल. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट यील्डिंग ट्री, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स, योर मंकी, डियर्स, ये मंकी क्या करता है ना, इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है एंड कुछ फ्रूट्स को खाता है एंड कुछ को ये नुकसान बहुत करते हैं, तो वो करने दीजिए, उनका एरिया है, आप कुछ नहीं बोलेंगे उनको, वो एनिमल्स है. सो इसको फेंक देते हैं, एंड इसको फेंक देते हैं, यहाँ पे जो डियर्स होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, उसको ही खा लेते हैं, एंड बाहर कहीं पे जाके जो उनका जो एक्सक्रीटा करते हैं, डंग होता है उनका, स्कैट होता है, उससे सीड का जर्मिनेशन होता है जिस न्यू एरिया में, ठीक है. सो ये जो इम्पोर्टेंट फ्रूट लिंक ट्री है लाइक आमला, मैंगो, तेंदुपत्ता, ये तेंदू का जो फ्रूट है वेरी डिलीशियस फ्रूट है तेंदू का, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का अगर तेंदू आप देखेंगे तो इन द मंथ ऑफ मार्च, गर्मी का सीजन में ही होता है तेंदू, मैंगो भी गर्मी होता है एंड आमला इज इन विंटर सीजन, जामू भी वही इन द टाइम ऑफ रेनफॉल, इन द टाइम ऑफ जुलाई टू अगस्त जामू का फ्रूटिंग होता है एंड महुआ, महुआ चार का समर में होता है फ्रूटिंग. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी मेंटेन इन फॉरेस्ट एरिया. ये ट्री को जब भी आप फेलिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट में, ये सब ट्री को ना फेलिंग नहीं कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बिकॉज दीज आर द फ्रूट यील्डिंग ट्री. सो जहाँ पे भी आपको जो बताया था मैं आपको वहाँ पे फॉरेस्ट वर्क मैनेजमेंट में जो कूप में जो फेलिंग होता है, सपोज दिस इज ए कूप, यहाँ पे फेलिंग हो रहा है, यहाँ पे अगर ये ट्री है इसको आप छोड़ दीजिए, ये ट्री फेलिंग नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ. दूसरे ट्री को फेलिंग कर सकते हैं लाइक साल, टीक, मेलाइना आर्बोरिया. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट टिम्बर स्पेसिस, नॉट दिस. सो द फूड अवेलेबिलिटी इन हैबिटेट चेंजेस विथ सीजन. सो हैबिटेट का जो एनिमल्स का सीजन वाइज फूड खाने के लिए मन होता है. हर्बीवोरस डिपेंड ऑन प्लांट्स मटेरियल लाइक लीव्स. हर्बीवोरस डिफरेंट जो भी हर्बीवोरस है, मंकीज, डियर्स, अदर हर्बीवोरस फीड ऑन लीव्स, बग्स, ट्विग्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स ऑफ द स्पेसिस लाइक मालोटस फिलिपेंसिस, डेंड्रोकलम स्ट्रिक्टस, ये बाम्बू का एक प्लांट है, मेल बाम्बू, एडिना कोडिफोलिया, द हल्दू, एल्बिजिया लेबक, द सीरीज, द एगिल मार्बुलस, द बेल प्लांट, द अमलतास, द फाइकस बेंगालेंसिस, द ओजेनिया ओजेंसिस, साल, साल का सीड इज वेरी मतलब उसको मंकी खाते हैं एंड लीव्स को डोमेस्टिक एनिमल्स अदरवाइज योर डियर्स भी खा लेते हैं, जामुन, टर्मिनलिया अलाटा, टर्मिनलिया बेलेरिका, द माइरोबेलेंस एंड बॉम्बक सेवा सिमल. सो आप देख सकते हैं दिस इज ए स्केड्यूल वन एनिमल ऑफ वाइल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दिस इज अ रातुफा इंडिका नोन एज जेंट स्क्वायरल. एंड व्हेन आई वाज इन दिस फॉरेस्ट वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम इन ए फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ ओडिशा, आई हैव कैप्चर्ड दैट इन दिस शॉट. ये बाम्बू जो ये बॉम्बक सेवा जो सेमल का फ्रूट है ना, द रेड सेल कटन ट्री इसका लीव्स को खा रहा है एंड यू कैन सी हियर द एलिफेंट डीवर्किंग ऑफ साल. ये एलिफेंट ना बहुत डिस्ट्रॉय बहुत करता है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये इंजुरी कर दिया है, कभी कभी ये ट्री का ब्रांचेस को तोड़ के खा लेता है किसी भी, ये बाम्बूस का उसका सबसे फेवरेट बाम्बू है एंड ये नुकसान बहुत सारे ट्रीज को करता है, ठीक है. तो किसी उसको मन किया यहाँ पे इसको तोड़ लिया, इसको कभी खा भी लेता है, ठीक है. एंड मोस्टली दिस एलिफेंट प्रिफर्ड दिस मोवा, चिरोंजी, ये सब चीज़ इसको बहुत पसंद है, ठीक है. सो वी हैव टू मेंटेन दिस थिंग्स इन फॉरेस्ट, वी शुड नॉट फेल दिस ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट बिकॉज दैट डिस्ट्रॉय दिस हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. इसको फेलिंग करके ले आएंगे तो ये डियर क्या करेंगे आपके घर, ये सपोज दिस ये फॉरेस्ट में ये सब ट्रीज प्रेजेंट है, आप जा रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेलिंग आप इसको भी कटिंग कर देते हैं, ये खाएंगे क्या? और अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे? किसी भी फॉरेस्ट नियर बाई फॉरेस्ट एरिया जो भी ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ हैं वहाँ आ जाएंगे एंड वहाँ पर जो भी खेत है वहाँ का उसमें घुसेंगे और उसमें सब डिस्ट्रॉय वगैरह करके आ जाएंगे, ठीक है. इसलिए हमें उनके घर में ये सब चीज़ प्रोवाइड करना है, ठीक है. सो डियर, मंकीज, लंगूर, रैट्स एंड हेयर फीड ऑन द वाइल्ड फ्रूट्स और प्लांट्स, सो दिस सिमिलर थिंग्स. सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी मेंटेन इन फॉरेस्ट. एंड वन अदर थिंग्स, ये तो हो गया ये फ्रूट, क्योंकि आप ट्री देख रहे हैं ना, ट्री में बंदर चढ़ गए हैं, यहाँ पे डियर आ गए हैं, इसको खा लेते हैं. तो इसके अलावा ये जो डियर्स है, ये जो रैबिट्स है, लैगोमॉर्फ, सो उनको ग्रासेस का रिक्वायरमेंट है. तो फॉरेस्ट में आप देखेंगे बहुत सारे रैबिट्स होते हैं, हेयर जिसको बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रैबिट्स एंड हेयर आर, रैबिट्स आर व्हाइट इन कलर जिसको आप डोमेस्टिक घर में रखते हैं, दीज आर द रैबिट्स, बट द हेयर आर ब्राउन इन कलर.
So, not only for hares, but also for other herbivores, like bison, nilgai, deers, antelopes. So, इनको कुछ palatable, nutritive grasses चाहिए. जैसे हम domestic animals को grasses देते हैं, वैसे these are the animals ना, उनको grasses चाहिए. तो इसीलिए forest में क्या होता है ना, कुछ palatable grasses का plantation होता है. Like your Brachyeria mutica, stylograss, this is very nutritive grasses, these are protein-rich grasses. Saccharum bengalensis, your other grasses are preferred by these animals. These grasses are rice in the wildlife concentrated areas, meet the food requirement of herbivores, natural meadow. So this is known as the meadow development, grassland and meadow development. So this natural meadow shall be enriched and new small patches should be created and maintained near water holes and salt licks in. So this is a place, this is the working plan of that area. So you can see here. So this is the most palatable, the sand crust grasses. And यहाँ पे क्या करते हैं ना, फॉरेस्ट एरिया में ये ग्रासेस को पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद उसको मेन फील्ड में लेकर प्लांटेशन कर देते हैं. एंड इसको मेंटेन करने की वजह से बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं, फिर नियर बाई वाटर एरिया जो वाटर होल्स वहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे पानी पीते हैं एंड उनको सारे चीज़ वहाँ पे मिल जाता है. वो क्यों आएंगे तुम्हारे घर, तुम्हारे फील्ड को. सो दिस इज द आमला, द फ्रूट ट्री, द मेंटेनेंस ऑफ फ्रूट ट्री. एंड दिस इज योर पैनोरामिक व्यू. So this is a large forest area, this is large grassland. So this was captured in 2017 in my FAWE program. And this is a monkey feeding on these leaves and these are the different grasses. So this is a distribution of grassland. So ye grasslands ko bhi yahan pe develop karna hai forest mein. And ye Chhattisgarh mein bhi hota hai, grasslands development to provide food to the herbivores, to primary consumers. ये ग्रासलैंड रहेगा तो भी हर्बीवोरस रहेंगे, हर्बीवोरस रहेंगे तो कार्निवोरस रहेंगे. सो इट क्रिएट इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है, नेक्स्ट इज द वाटर अवेलेबिलिटी. ये तो हो गया रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, अभी चाहिए पीने के लिए पानी. तो पानी कहाँ से मिलेगा, ये जो वाटर का स्कार्सिटी है, बारिश में तो पानी मिल जाएगा, कहीं पर फॉरेस्ट में जाइए कहाँ पर भी गड्ढा है वहाँ पर पानी डिपोजिट होकर रहेगा, या फिर स्ट्रीम्स है वहाँ पर पानी पीते हैं एनिमल्स आके. बट इन द ड्राई सीजन, समर सीजन में ये वाटर स्कार्सिटी बहुत होता है. सो छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं ना, अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ये टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, 45-46 डिग्री तक पहुंच जाता है फॉरेस्ट एरिया में भी. सो आर्टिफिशियली टैंकर्स में पानी लेके जो भी फॉरेस्ट में जो वाटर होल मतलब प्रेजेंट है वहाँ पे पानी देते हैं, या फिर वहाँ पे सोलर पंप लगा है डिफरेंट फॉरेस्ट एरिया में, जो कि ग्राउंड वाटर से पानी निकाल के ये यहाँ पे एक सोलर, ऐसे एक देखेंगे छत्तीसगढ़ में ऐसे सोलर लगता है, सोलर यू पंप, सोलर पंप से ये ग्राउंड से पानी निकलता है एंड यहाँ पे छोड़ता है योर पाइप से. ठीक है, सो दिस इज़ योर वाटर अवेलेबिलिटी. एंड फॉर दिस वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम इज फेल्ट फ्रॉम जनवरी टू जून व्हेन द मोस्ट ऑफ द सीजनल नालास एंड स्ट्रीम्स ड्राई अप. हेंस इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट वाटर होल्स एंड चेक डैम्स ऑन हायर स्लोप्स अक्रॉस नालास टू इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द समर. सो डिफरेंट पॉन्ड्स एंड चेक डैम. सो चेक डैम का फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाया था इन सॉइल वाटर कंजर्वेशन. सो बीच बीच में फॉरेस्ट में चेक डैम्स लोकली अवेलेबल जो बोल्डर्स है उसको लेकर चेक डैम्स बनाते हैं. एंड यू कैन सी हियर, दिस इज द क्रिएशन ऑफ वाटर होल. सो आर्टिफिशियली दिस इज एक इन द मंथ ऑफ डिसंबर टू जनवरी यहाँ पे एक पॉन्ड बना गया है इन फॉरेस्ट एरिया एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनफॉल. तो इसको आप क्या करिए ना, रेनफॉल से पहले आप इसे एक गड्ढा बना दीजिए एंड यहाँ पे पानी स्टोर होकर रहेगा. एंड अगर यहाँ पे ड्राई हो जाता है इन द मंथ ऑफ समर तो आप आर्टिफिशियल टैंकर में पानी लेके आइए यहाँ पे दे दीजिए. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर आर्टिफिशियली फ्रॉन्ट क्रिएटेड इनसाइड द फॉरेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स इज मैनेज्ड, वाटर अवेलेबिलिटी कैन बी फुलफिल्ड. सो यू कैन सी दिस इज ए मार्सी एरिया, दिस इज अ ग्रासलैंड एनिमल. सो दिस इज द सेम ग्रासलैंड पिक्चर. यहाँ पे ग्रासेस को खाते हैं हर्बीवोरस एंड यहाँ पे पानी पी लेते हैं एंड ये जो नीचे ट्री है इसके नीचे जाके रेस्ट करते हैं. तो एक जगह में सारे चीज़ उनको मिल जाता है. तो दिस इज अ साइफरस ग्रास एंड नेक्स्ट वन इज योर, सो दिस इज मीडो डेवलपमेंट, दिस इज ग्रासलैंड एंड मीडो. एंड वन अदर थिंग, दिस इज योर सॉल्ट लेक. सो व्हाट डू मीन बाय सॉल्ट लेक. सो व्हाट डू मीन बाय ये सॉल्ट लेक. So the salt licks is a place where animals can go to take minerals, nutrient. In naturally, all animals can get together daily food requirement. So, जैसे कि ह्यूमन को
हम लोग तो डेली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो राइस रोटी दाल प्रोटीन के लिए खाते हैं, मीट हमें ये सब खाते हैं। इसके अलावा हमें कुछ जो हमारा डिफरेंट अदर थिंग्स के लिए हमें जो न्यूट्रिएंट, जो आयरन चाहिए, जो कैल्शियम चाहिए, इसके लिए हमें हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं। जैसे कि फ्रूट से हमें जिंक मिलता है, कैल्शियम, योर कैल्शियम रिच फ्रूट खाते हैं, ठीक है, एंड अदर योर आयरन रिच फ्रूट्स खाते हैं, लाइक योर आयरन रिच फ्रूट बेस्ट इज योर हमें वाटरमेलन से मिलता है द आयरन। इसके अलावा हमें योर फिश ऑयल, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब चीज़ हमें मतलब खाने के साथ ये सब चीज़ भी हमें चाहिए, क्योंकि ऑल दिस इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वेरी मच इसेंशियल टू अस, दिस ऑल द अदर थिंग्स, ठीक है। सो दिस बायो मेटल्स, जैसे कि कैल्शियम, हमें कैल्शियम क्यों चाहिए कि बोन्स के लिए, तो हमें हम कैल्शियम रिच फ्रूट खाना होता है, फिश का जो बोन है उससे मिलता है हमें कैल्शियम। सो एनिमल्स को भी ऐसे चाहिए, ये तो फूड आप दे रहे हैं, ठीक है, फ्रूट दे रहे हैं, ग्रासेस दे रहे हैं, ये ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स को कुछ सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक रिच थिंग्स चाहिए होता है, दिस फूड चाहिए होता है, तो इसको आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो इसीलिए क्या करते हैं ना कि सॉल्ट लेक्स का डेवलपमेंट करते हैं। मीन्स यू कैन सी हियर, दिस इज ए सॉल्ट लेक। सो यहाँ पे क्या है ना, एक नॉर्मल एरिया है, मीन्स किसी भी नियर बाय फॉरेस्ट एरिया में आप एक ऐसे, सो दिस इज ए एरिया, एंड यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जो आर्टिफिशियली सॉल्ट्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे मिट्टी को ऐसे खोद देते हैं किसी भी फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे। सो यू कैन सी हियर, दिस इज ए पैच ऑफ फॉरेस्ट एरिया, दिस इज ए ओपन स्पेस, एंड यहाँ पे कुछ दलदली टाइप का एरिया है, एंड यहाँ पे आप सॉल्ट, लाइक योर सॉल्ट्स ऑफ योर सोडियम सॉल्ट, योर कैल्शियम सॉल्ट, योर जिंक, यू कैन ऐड दैट थिंग्स। सो दिस इज नोन एज सॉल्ट लेक, एंड इसको एनिमल्स को खाते हैं यहाँ के, ठीक है। तो दिस सॉल्ट लेक इज ए प्लेस वेयर एनिमल्स कैन गो टू टेक मिनरल न्यूट्रिएंट इन नेचुरली, ऑल एनिमल्स कैन नॉट गेट देयर डेली फूड रिक्वायरमेंट, सो इन ऑर्डर टू मैनेज द वाइल्ड लाइफ इन सेंचुरी एरिया, सॉल्ट लेक्स आर डेवलप्ड इन, दिस इज ए सेंचुरी, ठीक है, एंड इन सेंचुरी एरिया एंड दिस वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट एरियाज में ये सब चीज़ को बनाया जाता है। सो इन नेचुरल सॉल्ट लेक प्रोवाइडेड बायो मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, which help in bone and muscle development. So the basically this for this bone and muscle development, आप normally क्या करिए ना, कुछ salt लेके ऐसे आप ऐसे एक दलदली area में अगर आप इसको कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो किसी भी dry area में, open area में इसे एक बना दीजिए, एंड यहाँ पर salt, आप जो खाने वाला salt, sodium chloride लेके भी add कर सकते हैं, so that will provide the sodium requirement can be fulfilled, and this that will help this animal for this muscle and your bone development. ठीक है, फॉर दिस मसल एंड बोन डेवलपमेंट दिस सॉल्ट लेक इज वेरी मच इसेंशियल। सो यू कैन सी हियर, दिस बाइसन आर फीडिंग अपन दिस योर सॉल्ट लेक्स एंड परकोलेशन पीट। सो बीच बीच में फॉरेस्ट में आप देखेंगे तो बीच बीच में ऐसे एक गड्ढा खोल देते हैं, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनफॉल यहाँ पे वाटर डिपोजिट हो जाता है। सो इसमें क्या होता है ना, परकोलेशन नीचे को ये फ्लो होता है, एंड दिस ग्राउंड वाटर लेवल कैन बी इंक्रीज एज वेल एज यहाँ पे पानी अगर स्टोर होकर रह रहा है, कोई भी एनिमल्स आके उसको पी सकता है, एंड दिस पिक्चर आई विल एक्सप्लेन लेटर, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स इन योर मेंटेनेंस ऑफ स्पेशल हैबिटेट्स। सो दिस स्पेशल हैबिटेट्स मोस्टली दिस थिंग्स इज मैनेज इन योर सेंचुरी और एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेशनल पार्क। सो ये स्पेशल हैबिटेट को मेंटेन करके रखा जाता है। सो दिस स्पेशल हैबिटेट आर बायोलॉजिकली इन ओरिजिन एंड प्रोवाइडेड हैबिटेट फंक्शन फॉर स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स। दे इंक्लूड स्नैक्स, स्नैक लिक्विड्स, डेन ट्रीज, डाउनवुड एंड आइसोलेटेड लार्ज ओल्ड ट्रीज। सो व्हाट इज दिस थिंग्स। सो स्नैक, सो फर्स्ट वी विल स्टडी द स्नैक, ये स्नैक क्या है। सो एज ए थंब रूल एटलीस्ट शैल बी मेंटेन्ड इन ए वेल डिस्ट्रीब्यूट डिजाइन इन ऑल सिल्विकल्चर ट्रीटमेंट्स। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, देर आर वाइटल फॉर ए वेराइटी ऑफ प्राइमरी होल नेस्टिंग बर्ड्स लाइक वुडपेकर एंड बारबेट। सो ये स्नैक्स मीन्स देर आर लार्ज ओल्ड ट्रीज। सो दिस इज ए प्लेस इन छत्तीसगढ़, दिस इज बारनापुरा सेंचुरी, एंड आप ये देखेंगे पक्षी विहार इसको बोलते हैं इन छत्तीसगढ़, ये बारनापुरा सेंचुरी इसको बोलते हैं पक्षी विहार। सो दिज आर द डिफरेंट ओल्ड ट्रीज। सो इट इज़ ए पॉन्ड, एंड यहाँ पे पहले है बहुत सारे ट्रीज था, एंड इसका ट्रीज का डेथ होने के बाद इसको वहाँ पे आप कटिंग करके नहीं लाना है, क्योंकि दिस इज ए प्रोटेक्टेड एरिया, एंड ये जो ट्री आप देख रहे हैं ना, दिस ट्री प्रोवाइड होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स, मीन्स बर्ड्स के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, हैबिटेट है फॉर इट्स होम। सो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस टाइप का ट्री, सो यू कैन सी हियर, ये जो आउल है, दिस इज ए ईगल आउल।
So this kinds of owl, this so you can see this is a woodpecker. So ये जो birds हैं ये पसंद करते हैं इस type का area में रहने के लिए, जहाँ पे ये कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे ट्री तो ड्राई है, तो यहाँ पे वो जो वुड पिकर वुड को पिक करता है, वुड में जो होल करता है वो इजीली कर लेता है, एंड वहाँ पे वो घर बना के घोंसला बना के रह जाता है। घोंसला तो नहीं बनाता है, वो वुड के अंदर ही छिप जाता है, ठीक है। एंड उसमें दोनों मेल फीमेल रहते हैं, उसमें वो दोनों रह जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ ट्री शुड नॉट बी फेल इन फॉरेस्ट। सो दिस इज योर मेंटेनिंग ऑफ स्पेशल हैबिटेट। सो दिस थिंग्स शुड बी मेंटेन इन फॉरेस्ट। And as per the thumb rule, 5 snag recruits per hectare should be maintained. So suppose this is a large area and यहाँ पर आप अगर फेलिंग कर रहे हैं, so this is a 1 hectare area and minimum आप एक area में minimum 5 snag trees को रखिए, ठीक है। जो भी old tree है, जिसे death हो गया है जो trees का, आप उसको वहाँ पर return करके रखिए। So they can be recognized by their external symptom and this provide the home to the many birds. एंड लार्ज ओल्ड ट्रीज, सो ओल्ड ट्रीज को भी मेंटेन करके रखिए फॉरेस्ट में। दिस रिटेन ट्रीज 2 to 4 ट्रीज फॉर हेक्टर्स टू बी मेंटेन इन द कंपार्टमेंट हिस्ट्री देयर एल्स इन दैट एरिया। इन दिस ओल्ड ट्रीज मोस्टली दिस बुबो स्पेसीज एंड लार्ज आउल्स कैन बी सीन। सो दिस इज अ फोटो। सो हाउ यू कैन सी हाउ दिस बर्ड्स, दिस आउल क्रिएट ए कैमोफ्लेज एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई फ्रॉम। आप दूर से देखेंगे आप उसको नहीं देख पाएंगे। सो इजीली ये कैमोफ्लेज करके यहाँ पे रह जाता है। एंड दीज अदर डिफरेंट लार्ज ट्रीज, फाइकस ट्रीज एंड अदर ट्रीज, जहाँ पे ये अदर जो बर्ड्स है यहाँ पे ये नेस्ट बना के रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर लार्ज ओल्ड ट्रीज एंड नेक्स्ट इज द लियाना। सो व्हाट इज दिस लियाना? सो लियाना आर द ट्रॉपिकल क्लाइंबर्स। सो जैसे कि मैं आपको बताया था कि देयर इज क्लाइंबर्स आर देयर इन फॉरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंबर इज बहुनिया वैली, द सियाल पत्ता। सो दिस क्लाइंबिंग दिस क्लाइंबर कटिंग ऑपरेशन, ये क्लाइंबर कटिंग तो फॉरेस्ट में होता है। लाइक जैसे कि मैं आपको टेंडिंग ऑपरेशन बताया था, अगर ट्री में क्लाइंबर काटा हुआ है उसको कटिंग कर दीजिए। बट जहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ के लिए है, वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट एरिया में, तो ये फेलिंग नहीं होता है, तो वहाँ पे ये क्लाइंबर्स को रिटर्न करके रखना होता है। सो व्हाट दिस क्लाइंबर्स हेल्प, दिस क्लाइंबर कटिंग ऑपरेशन इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड प्रिसिशन फॉर द सेम इज देयर इन ऑल वर्किंग सर्कल। बट जैसे कि एवरी मतलब आप साइंस प्रोटेक्टेड एरिया को छोड़ दीजिए, पीएस को, उसके अलावा जो भी एरिया है वहाँ पे क्लाइंबर कटिंग होता है। बट हाउ एवर इन लियाना हैज़ प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट हैबिटेट फंक्शन इन सपोर्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स। सो व्हाट डू मीन बाय आर्बोरियल एनिमल्स? सो आर्बोरियल एनिमल्स मीन्स दोज एनिमल्स दोज स्पेंड मेनली देयर लाइव्स इन ट्रीज लाइक स्पैरो, योर ट्री स्नेक्स, कोआला एंड मंकी। सो यू कैन सी हियर दिस इज ए आर्बोरियल एनिमल। मंकी यहाँ पे आप देखेंगे, मंकी डांस करता है। मंकी ये लियानों को मतलब जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, इसको पकड़ के वो वहाँ पे वो खेलता ही रहता है, ठीक है। सो दिस क्लाइंबर्स शुड बी मेंटेन। उस एरिया में आप क्लाइंबर को कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ट्री को इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस आप किसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे उस एरिया में। तो ये सब चीज़ को आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे एंड दिस थिंग्स शुड बी मेंटेन। सो दिस इज दिस ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज योर स्पेशल हैबिटेट मेंटेनेंस एंड नेस्टिंग ट्रीज। सो यू कैन सी हियर दिस इज द नेस्टिंग ट्री, यहाँ पे एक बर्ड उसका नेस्ट घोंसला बना के रह रहा है, ठीक है। सो दिस इज द लियाना। सो आप देख रहे हैं ये ट्री के ऊपर कैसे ग्रोथ किया है। अगर आपको कॉमर्शियली ट्रीज को ग्रो कर रहे हैं, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, तो इसको कटिंग करना है। बट अगर आप वाइल्ड लाइफ के लिए आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया को मैनेज कर रहे हैं, सो ये लियाना शुड बी मेंटेन। लियाना मीन्स ट्रॉपिकल क्लाइंबर्स। एंड दिस इज द ऑर्किड। सो ये आप देख रहे हैं, दिस ऑर्किड्स आर एपिफाइटिक प्लांट्स दैट ग्रो ऑन ए एन काइंड ऑफ प्लांट फॉर सपोर्ट, नॉट फॉर नॉरिशमेंट। एंड दिस इज द क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल्स, दिस आर डिफरेंट सर्पेंट ईगल्स प्रेजेंट इन ए ओल्ड ट्री। सो यू कैन सी हियर हाउ दिस ओल्ड ट्रीज, हाउ दिस क्लाइंबर्स, हाउ दिस लार्ज ट्रीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग योर स्पेशल हैबिटेट्स। सो स्नैक्स आर द ओल्ड ट्रीज, your large old trees, your nesting trees, your lianas are very much essential to managing and providing shelter to the animals. So you can see this is the yellow crowned woodpecker creating a hole. यहाँ पे ये hole बनाएगा क्योंकि ये wood dry है, easily यहाँ पे hole बन जाएगा, इसके अंदर जाके ये छिप जाएगा, घर बन गया उसका, ठीक है। So इसके अलावा, so this is about your conservation, your habitat development, and next is your वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस चैप्टर इन बायोडाइवर्सिटी, द इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन मेथड एंड द एक्सट्रीट्यूट कंजर्वेशन मेथड। सो काइंडली चेक इट आउट माई ओल्ड लेक्चर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पार्ट
फॉर द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस कंजर्वेशन मेजर द नेशनल पार्क सेंचुरी वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड अदर एक्सटिव मेथड ऑफ कंजर्वेशन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस हैबिटेट मैनेजमेंट एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड व्हाई दिस थिंग्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग ए फॉरेस्ट एरिया. एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी द IUCN कैटेगरी लिस्ट. ठीक है, सो उसमें IUCN हम देखेंगे कौन से एनिमल्स कौन से कैटेगरी में है. ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक वाइल्ड लाइफ. ठीक है, सो इतने में आपको एक ओवरव्यू आ गया कि इसमें कौन सा थिंग्स वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ शामिल है. ठीक है, सो आई विल प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दैट दिस पार्ट. बट यहाँ पे जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है लाइक योर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स योर कंजर्वेशन योर व्हेन दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट वाज स्टार्ट व्हेन द टाइगर प्रोजेक्ट वाज स्टार्ट व्हेन द लायन प्रोजेक्ट व्हेन द ग्रेट राइनो प्रोजेक्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा. बट यू हैव शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज रिगार्डिंग दिस वाइल्ड लाइफ. सो दिस मच इज इसेंशियल फॉर योर एग्जाम. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड विल कंटिन्यू दैट IUCN रेड लिस्ट. ठीक है,